छोटा सा प्रश्न है, जो केसेस ज्यादा पेंडिंग रहने के जो पेंडिंग थे, इसके लिए ही हर जगह हाई कोर्ट के ब्रांचेस बनाए। ऐसा ही एक ब्रांच मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में गुलबर्गा में बना है, लेकिन उसको ज्यूरिसडिक्शन कम रहने से वहां पर वो हाईकोर्ट जितने केसेस को ऑब्जर्व करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इसीलिए हमने आपसे भी दरखास्त की और उसी ढंग से चीफ जस्टिस से भी मैं मिला और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक के तरफ से भी रिकमेंडेशन के लिए किया, लेकिन वो नहीं हो रहा। अगर आप नहीं करेंगे तो जो पेंडिंग केसेस बेंगलुरु में है, क्योंकि गुलबर्गा और बेंगलुरु में कम से कम 800 किलोमीटर का अंतर है, और उसी ढंग से धारवाड़ भी जो है गुलबर्गा से कम 500 किलोमीटर है, इसीलिए गुलबर्गा में वो किया गया और उसको वो बिल्डिंग सभी रीति से ठीक हो गया है। लेकिन वहां पर जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, सिर्फ दो या तीन जजेस को अपॉइंट करते हैं, केसेस ट्रांसफर नहीं करते। इसीलिए मैं ये कहूंगा हैदराबाद कर्नाटका के लिए जो स्पेशल यहां पर हमने 371J का अमेंडमेंट किया है, संविधान में संशोधन किया है, तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि वो एरिया जो जिस एरिया के लिए वो बनाया है वो पूरा एरिया एक ही हाईकोर्ट में अगर आप लाएंगे तो सबको सहूलत भी होगी और कोर्ट भी फिजिबल बने। माननीय खड़गे जी, आप बहुत ही अनुभवी सांसद हैं, आपको प्रशासन का भी अनुभव है। आपको मालूम होगा कि भारत के संविधान में न्यायपालिका आजाद है, द जुडिशरी इज कंप्लीटली फ्री। इन विच एरिया व्हाट बेंच विल सिट, व्हाट शैल बी देयर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन आर ऑल मैटर्स टू बी डिटरमिंड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, एंड दैट इज द राइट नॉर्म। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज that your concern needs to be conveyed. There are Supreme Court judgments also that in these matters where benches are to be located, what cases are to go, the High Court is the primary institution whose consultation is important. Now you have flagged an issue to me. I will try to convey your concerns to surely the Chief Justice of the Karnataka High Court. What geographical location they will determine is their call. But as far as your concern is concerned, because you are a senior leader, I make it a point that I will convey that you are also raised this concern. But I would like to remind, my power is limited and must remain limited because our government respects the independence of judiciary.